देश आज प्रकृति एवं राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ रहा है और इस कौशल्य का बीज हमारे महापुरुषों ने ही बोया है। इस महत्ता के मद्देनजर राजभवन में कौशल्य विकास विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक महापुरुषांचे कौशल विकास का लोकार्पण एवं स्वर्गीय दत्ताजी डिडोलकर शिक्षण सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल रमेश बैस एवं उद्योग एवं कौशल मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि दत्ताजी डिडोलकर जन्म शताब्दी महोत्सव 7 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जहाँ इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कौशल रोजगार उद्यमिता एवं नव प्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, स्किल कॉलेज के कुलपति डॉक्टर अपूर्व पालकर, दत्ताजी डिडोलकर जन्म शताब्दी समारोह समिति के सचिव डॉक्टर मुरलीधर चांदोरकर आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। इस समय बोलते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने प्रतिपादन किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। हम इस गति को और बढ़ाना चाहते हैं। महापुरुषांचे कौशल विचार पुस्तक के लोकार्पण से जुड़कर खुशी हो रही है। आज स्वर्गीय दत्ता जी डिडोलकर शिक्षण सेवा सम्मान से सम्मानित सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुरुषांचे कौशल विचार पुस्तक के संकलनकर्ता तथा संपादक सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर और अन्य जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के कौशल के संबंध में चिंतन विचार शामिल किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के 350वें वर्ष में महापुरुषांचे कौशल विचार जैसी पुस्तक का विमोचन करना इसे उपयुक्त अवसर और नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब साधारण किसानों की मदद से अपनी सेना बनाई या जब उन्होंने अपनी नौसेना और किलों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उनके पास कुशल जनशक्ति का लाभ नहीं था और फिर भी उन्होंने मुगलों की ताकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, हिंदवी स्वराज की स्थापना की और भारतीय नौसेना की मजबूत नींव रखी, जिसे पूरी दुनिया में आज सबसे अनुशासित नौसेना माना जाता है। महात्मा फुले ने पूरे समाज के पतन का कारण अशिक्षा बताया। वीर सावरकर अपने वैज्ञानिक सोच के लिए जाने जाते थे। सावरकर जी का मानना था कि किसी राष्ट्र के दर्शन की नींव वैज्ञानिक सोच पर आधारित होनी चाहिए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दत्ताजी डिडोलकर के जीवन कार्यों पर प्रकाश डाला, जहां उन्होंने कहा कि दत्ताजी का व्यक्तित्व समर्पित था। वह इस बात का बेहतरीन उदाहरण थे कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। दत्ताजी के नाम पर शुरू किया गया पुरस्कार हर साल दिया जाना चाहिए। महापुरुषों के कुशल विचारों को पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुँचाने का यह एक अभिनव विचार है। महापुरुषों के सामाजिक विचार सदैव प्रस्तुत किए जाते हैं, इस पर चर्चा और शोध किया जाता है। उनकी कुशल सोच को अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। किती असामान्य कार्य करू शकतो, किती लोकांचं जीवन बदलू शकतो, किती लोकांना दिशा देऊ शकतो, किती लोकांचा मार्गदर्शक होऊ शकतो, याचं मूर्तिमंत उदाहरण दत्ताजी होते। विद्यार्थी परिषदेसारख्या आज देशात आणि जगामध्ये एका मजबूत आणि मोठ्या संघटनेच्या स्थापनेमध्ये त्याचं रोपटं लावण्यामध्ये त्यांनी जे कार्य केलं आणि त्यानंतर असंख्य कार्यकर्ता ते घडवत गेले। आज विद्यार्थी परिषदेचं मोठं स्वरूप जे आपण पाहतो ते दत्ताजींनी घडवलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांमुळे, आणि केवळ विद्यार्थी परिषदेमध्ये नाही तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये दत्ताजींनी मोठ्या प्रमाणात
कार्यकर्ते घडवले, विचारक घडवले, संघटक घडवले आणि म्हणूनच आज एक मोठं कार्य विद्यापीठाच्या क्षेत्रातलं असो किंवा विद्यार्थी परिषदेतलं असो हे आपल्याला पाहायला मिळत. विवेकानंद शिला स्मारक जे आहे त्याच्या संदर्भात देखील एक महत्वाची भूमिका त्यांची राहिली. आणि खर तर ज्या विचाराने ते प्रेरित होते त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारामधली ही ताकद आहे की सामान्य वाटणारी माणसंच असामान्य कार्य करतात आणि तशा प्रकारचं असामान्य कार्य करणारे दत्ताजी होते. आणि म्हणूनच त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने कौशल्य विकास विभागाने आणि विशेषतः कौशल्य विद्यापीठाने हा जो काही कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 5 लोकांचा सन्मान हा दत्ताजींच्या नावाने या ठिकाणी आज करण्यात आला. आणि मला विश्वास आहे की जरी शताब्दी समारोहाच्या निमित्ताने याची सुरुवात झाली असली तरी हा वन टाइम सन्मान असू नये तर दरवर्षी हा सन्मान अशाच प्रकारे होत राहावा. कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दत्ताजी डिडोलकर एक संत थे. गांव गांव जाकर उन्होंने विद्यार्थी परिषद को मजबूत किया. अनेक कार्यकर्ता स्वयं सेवक तैयार किए जो आज दुनिया के हर कोने में देश का नाम रोशन करे हैं. उनका योगदान देश के लिए अमूल्य है, इसलिए हमने उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनके नाम पर एक अध्ययन केंद्र शुरू करने का फैसला किया है. दत्ता जी ने जो राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साकार करे हैं. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम भी इसमें एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश करे हैं. महापुरुष के कौशल विचार पुस्तक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है. 700 साल पहले दुनिया की कुल GDP में भारत का योगदान 33% था क्योंकि उस समय हम कौशल विकास पर ध्यान देते थे. ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जो भारत में ना बना हो. जब अंग्रेजों को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने हमारी शिक्षा नीति पर हमला बोल दिया. लेकिन अब भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऋषि का दोबारा जन्म हो गया है. उन्होंने नई शिक्षा नीति लॉन्च की है जिसके चलते कौशल विकास पर जोर दिया गया है. लोढ़ा ने ये भी कहा कि भारत अपने मूल स्वरूप में वापस आएगा. छोटे नहीं रखूंगा मैं मन से सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस समारोह आने की अनुमति न दी होती तो इस कार्यक्रम का वो स्वरूप नहीं बनता जो कि आज हम सब यहाँ पर बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं. माननीय दत्ताजी डिडोलकर एक संत थे, ऐसे संत थे जिनके वस्त्र संत थे, उनका जीवन पूरा संत में निकला. कहाँ तो कन्याकुमारी और कहाँ गांव गांव में घूमकर विद्यार्थी परिषद की स्थापना. सारा जीवन उन्होंने केवल न देश के लिए दिया बल्कि ऐसे काम उनके हाथ से हुए कि उनके जन्म के 100 साल के बाद भी आज सारा समाज उनको भारत में दुनिया में याद कर रहा है. आज यदि ये कार्यक्रम चल रहा है तो सारी दुनिया में इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखने वाले उनके मित्र प्रशंसक, उनके द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं सेवक सबके लिए बहुत आनंद की बात है. उनके नाम से ये पुरस्कार दिया गया, उनके नाम से चेयर की स्थापना की गई, ये सब बातें बहुत छोटी है. प्रमुख बात है उन्होंने जो राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय अमित भाई साहब इनके साथ में मिलकर हम सब लोग मिलकर भी उसमें कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम में रोल कर सके. दर्शकों, राज्य सरकार के कौशल विभाग द्वारा सरकार एवं मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के प्रयास से देश का कौशल शिखर निखर रहा है जहां विभिन्न तकनीकों द्वारा हम अपने विकास एवं उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं. जैसे किसी भी समुद्र को भरने के लिए एक बूंद की आवश्यकता होती है उसी तरह सरकार की जोड़ में कौशल उद्योग उद्यमिता एवं नव प्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कार्य अग्रगण्य है जहाँ उन्होंने घोषित किया है कि दत्ताजी डिडोलकर की स्मृति में अध्यासन केंद्र शुरू किया जाने वाला है. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट.